ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास का सातवां अध्याय। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का माध्यम सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसके करने से वैधव्यता के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले सावन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। पुष्प मंडल का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी कपड़ों से उसको सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा तथा सोने के अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का उपचारों से 16 दुर्वोदलों से, 16 चिड़ाचिड़ी दलों से, 16 चावल, 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य माता को अर्पित करना चाहिए। देवी के निकट सील लोडा रखना चाहिए। इस तरह से विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को किया जाता है। 5 वर्ष के पश्चात इसका उदापन करना चाहिए। उदापन में बायना देना होता है। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी धातु की प्रतिमा बनाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें और मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप सिलोढ़ा रखें। सिलोढ़ा सोने का या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए ब्याना देना चाहिए। इसके लिए 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। इसके पश्चात व्रत करने मात्र से 7 जन्म का सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र संत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और इसका क्या फल मिलता है। भगवान शंकर ने बताया कि पहले काल में कुरु देश में कृति नाम का एक राजा था। वह शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था और उसके कोई दुश्मन भी नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ पर सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके यहाँ पर संतान नहीं थी। इसी कारण से वह बहुत दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुति कीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी, परंतु तुम एक गुणवान पुत्र होगा तो उसकी आयु बहुत 16 वर्ष की होगी। यदि वह सुंदर तथा विद्याहीन पुत्र चाहिए तो उसकी आयु आपको जीवित लंबे समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। राजा ने अपनी रानी से विचार किया तो उसने एक गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख के द्वार पर आम का जो पेड़ है, उसके पेड़ से आम तोड़कर ले जाओ और उसे रानी को खिला देना। तुम्हारी इच्छा संपूर्ण हो जाएगी। राजा ने देवी की आज्ञा से रानी को आम और फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र ने जन्म दिया। हर शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी, संपन्न और सुंदर बालक हो गया था। राजकुमार का 16वां बालक शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशीजी पढ़ने के लिए भेज दिया। रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कार्तिपिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके लिए जन्म से पहले भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशीजी लेकर जाओ और इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के यहाँ पर एक स्वर्गुण संपन्न रूप लावण्य वाली मंगला गौरी नाम की एक राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ चिरायु और उसका मामा वहाँ पहुंच गए। दोनों बालिकाओं को क्रीड़ा करते देख वहाँ रुक गए और राजकुमार की सहेली में से एक सहेली ने क्रोध से भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कह दिया। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम ये दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद या मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे साथ हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाएगा, वह मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पायु होगा तो भी वो चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को चली गई। राजकुमारी भी अपने महल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह था। बालिक देश के राजा दृढ़ धर्मानी के पुत्र सुकेतु के साथ उसका विवाह होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था, अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अच्छा
वर ले जाने का निश्चय किया तो विवाह के उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और उसके बाद सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले कि यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर प्रोपरकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला कि आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो, विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं लेकिन वर को थोड़े ही मांगा जाता है, फिर भी आपकी बात रखते हुए मैं लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु के विवाह मंडप में ले गए। विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमारी चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया तो उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर वहां आ गया और संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए भूत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति को छोड़ दो और उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में समा गया और राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुकुट बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमार से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए और हाथों को मलते हुए धोते हुए उसके साथ हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सांप को फेंकने के लिए गई लेकिन विधि के विधान के बाहर जाने का पर चमकते हार की कांति देख वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोले कि अब मेरा पति नहीं है। सभी बराती कहने लगे, हे शुभे यह तुम क्या कह रही हो, यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा कि रात को मेरे पति ने मुझे जड़ाऊ हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में है बतावे। रात्रि में आमर्ष से सेचन के साथ मेरे पति देव का केशर युक्त पैर मेरी जांग में लगा हुआ है, उसे देखकर सब लोग बताएं कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई थी तथा जो भोजन करा था उसके बारे में बताएं। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का जवाब न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ करवाया। उसे यह भी पता चल गया था कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के साथ स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हो गया था। मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। उधर चिरायु भी वहां के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे चिरायु महल के सामने से निकला तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया और उसने भी अपने पिता वीरसेन से कहा कि यही आदमी है जो अभी अभी गया है, यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजों को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशाने चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाह के वस्त्राभूषण आदि अशव घोड़े रथ हथ सभी बहुत सारी चीजें लेकर मंगला गौरी को विदा कर दिया। मामा अपने भांजे और चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसने चरण स्पर्श किए। पुत्र वधु को सास ने अपनी गोदी में बिठा सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको वर्तमान तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बताया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोज सिद्ध हो जाएंगे। यशोद जी बोले कि हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने संत कुमार से इस व्रत को कहा और इस व्रत के कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो गए और इसके करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। सावन मास का 7वां अध्याय समाप्त। अब हम सुनेंगे 8वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, भगवान शंकर बोले, हे संत कुमार, अब मैं तुमसे पाप को हरने वाले बुद्ध और बृहस्पति व्रत को बताता हूँ जिसे श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्म जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यसन पर अभिषेक किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप लवण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लवण्य पर बहुत मोहित हो गया और काम के वश में आ गया। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ काल के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुद्ध रखा गया। बुद्ध विद्वान रूपवान था, स्वर्गुण संपन्न था। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई है? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूंगा। बृहस्पति के कहने पर भी चंद्रमा
मेरी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ। गुरुदेव ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी और इससे कि इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर दिया है। तो हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मुझे मेरी पत्नी वापस दिलाएं। ऐसा न करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया वह आप पाप आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप माना जाता है, तो गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह पुत्र किसका है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है कि यह किसका पुत्र है। देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच बताओ कि किसका बेटा है। लज्जायुक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का और ओरस तथा बृहस्पति का तेजस क्षेत्रज पुत्र है। अब इसको जिसको ठीक समझे उसे इस बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया गया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उन्हें खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया कि चंद्रमा से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर घर जाओ। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। हे आचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव के प्रिय मास सावन में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने भरे रहेंगे, उनका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चना करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त होकर पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाक बुद्धि और देवाघर में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथास्थान पर इसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करें, सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधिपूर्वक अर्चन करें, षोडश उपचार द्वारा अर्चना कर हवन करें, तिल तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए, चिंचड़ी तथा पीपल की सामग्री से हवन करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें हाथ जोड़कर विदा करने के बाद समय भोजन करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने के बाद प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वेदों तथा शास्त्रों का मर्म जान लेता है, उसे बुद्ध ज्ञान और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। संत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा भांजे को भोजन कराने का विधान बताया है, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, संत कुमार, पहले में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। वहां उन्होंने प्रत्येक मकान में सावन के महीने में प्रत्येक वार का व्रत करते लोगों का देखा, परंतु बुद्ध और बृहस्पति का व्रत करते उन्होंने कहीं नहीं देखा। दोनों मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुद्ध और गुरु का व्रत देखने को कहीं नहीं मिला। अतः हम दोनों बुद्ध और गुरु का व्रत करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन दोनों वारों का व्रत नहीं किया। यह अनुष्ठी व्रत है, इसे हम करेंगे, लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए कि तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न में पता चल गया। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने व्रत को किया। व्रत करने से वे धन धान्य से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे और वे पुत्र पोत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध गुरु ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को व्रत दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है। आज से जो भी इस व्रत को करेगा मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा, यह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। सावन मास का 8वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।